तो देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण का कल यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होगा। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बेशक हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं भीतरघात, बदलते समीकरण और एंटी इनकम्बेंसी की चिंता भी सता रही है। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है और किस पर जनता फिर से भरोसा जताने वाली है या किसको बदलने वाली है। नेता कुछ भी कहें, लेकिन जनता तो अपना मन बनाकर बैठी है। हालांकि जनता भी स्मार्ट हो गई है, जनता शांत है, कुछ कह नहीं रही, लेकिन वोट की ताकत का एहसास जरूर कराएगी। बहरहाल, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसे जीत का आशीर्वाद देगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दूसरे चरण में होने वाली 88 सीटों के बारे में और साथ ही साथ राजस्थान की 13 सीटों पर कहां कहां मतदान में कितने प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत और 2019 में कितना रहा है राजस्थान की 13 सीटों पर वोट प्रतिशत। तो देखिए, तैयारी सभी की हो चुकी है, लेकिन लोकसभा का रण है, दूसरा चरण है और दूसरे चरण में एक तरफ निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, वोट प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों की भी अपनी अपनी तैयारी की बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में दूसरे चरण में जो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, पहले इस फेज में आपको बता दें कि पहला जो फेज रहा वहां पर 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी। तो लोकसभा का रण है, दूसरा चरण है, 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से कैसी किसकी तैयारी और कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। इस फेज में आपको याद होगा 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी। हालांकि एक प्रत्याशी के निधन के बाद एमपी की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया और इस वजह से यहां पर एक सीट पर नहीं चुनाव हो रहा है। इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होगा। इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं कुल मिलाकर, और इनमें 1097 पुरुष हैं, तो वही 100 महिला और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने जो रिपोर्ट बताई है, रिपोर्ट के जरिए जो आंकड़ा है वो 1192 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर रिपोर्ट जो तैयार की है, इनमें से 21% यानी कि 250 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं और इसके साथ साथ 390 यानी कि 33% उम्मीदवार करोड़पति है, जो एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है और इसके साथ साथ जबकि 3 के पास 500 से 1000 रुपए की संपत्ति है। ये उन प्रत्याशियों की संपत्ति का आंकड़ा है जो चुनाव लड़ रहे हैं। 167 कैंडिडेट्स पर हत्या, किडनैपिंग, 21 पर हेट स्पीच का मामला दर्ज है। ये जो प्रत्याशी मैदान में हैं, रिपोर्ट के आधार पर जो जानकारी दी गई वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसके अलावा लेकिन अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में दूसरे चरण का जो मतदान है, कहां कहां पर किस सीट पर मतदान होना है वो भी आपको चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए, दूसरे चरण में टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर में मतदान होना है। बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सीट पर चुनाव होना है, वोट डाल जाएंगे। भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, झालावाड़, बारा में भी मतदान है। इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आज जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 152 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 1,72,000 से ज्यादा मतदान कर्मी मतदान संपन्न कराएंगे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल मिलाकर 28,756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्या तैयारी है वो हम आपको बता रहे हैं। इनमें से 28,105 मतदान केंद्र और 651 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 2,80,78,399 पुरुष है और इनमें से 1,44,48,000 से ज्यादा जो मतदाता है, जो 1,36,02,272 महिला मतदाता है। इनमें से कुल मिलाकर पुरुष और महिला मतदाताओं की क्या संख्या है वो आप जान लीजिए।
इसके साथ साथ 324 थर्ड जेंडर मतदाता और 26,837 सर्विस वोटर हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के 8,66,325 नव मतदाता हैं, जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,22,829 है। 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,01,742 मतदाता हैं। हालांकि होम वोटिंग की सुविधा भी दी गई, लेकिन सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बहुत जरूरी है निष्पक्ष चुनाव के लिए। कैसी उसकी तैयारी है, चलिए वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि कहां पर किस तरीके से क्या तैयारी। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए 28,758 बूथों पर मतदान होगा। तैयारी पूरी पुख्ता की गई। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों की जो संख्या है वो 14,000 से ज्यादा है। 14,460 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग होगी। राजस्थान पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 85,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में राजस्थान पुलिस के 75,000 जवानों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है कि चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 175 यूनिट भी तैनात की गई है। होमगार्ड्स और बॉर्डर होमगार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो किस तरीके से क्या तैयारी है? संग्रहण केंद्रों पर ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। ईवीएम 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से तैयारी की गई है, किस तरीके से क्या रहने वाला है। लेकिन अब आपको वोटिंग प्रतिशत भी जानना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है, लेकिन बात अगर 2019 के वोटिंग प्रतिशत की कर ली जाए तो वो कितना रहा है 2019 में अलग अलग सीटों पर, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में 67.32% यहां पर मतदान हुआ था। बांसवाड़ा में 72.9% मतदान हुआ था। तो वहीं बाड़मेर की बात करें, इस बार हॉट सीट है नजर सभी की, 73.3% यहां पर मतदान हुआ था। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो 65.64% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो 72.39% यहां पर मतदान हुआ। अब दूसरी सीट की बात करें जालौर सिरोही की, तो 65.74% यहां पर मतदान होता है। झालावाड़ 12 की बात करें तो 71.96% मतदान 2019 में हुआ था। जोधपुर सीट की बात करें तो 68.89% 2019 में यहां पर वोटिंग हुई थी। कोटा बूंदी की बात करें, हॉट सीट है, 70.22% मतदान 2019 में हुआ। पाली की बात करें, 62.98% मतदान 2019 में हुआ था। राजसमंद की बात करें तो 64.87% मतदान 2019 में हुआ। तो वहीं टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो 63.44% मतदान 2019 में हुआ। उदयपुर की बात करें तो 70.32% मतदान 2019 में यहां पर हुआ। हालांकि ये जो प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं 2019 का, कोशिश यही है कि इस बार इस प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि जो वोटर्स हैं, क्योंकि पहले चरण में आपने देखा 12 सीटों पर 6% के करीब, हालांकि कम वोटिंग हुई, लेकिन निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि इस जो 2019 का वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बताया कि वहां पर जितना प्रतिशत रहा है उस प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए अलग अलग कोशिशें की गई है, नवाचार किए गए, लेकिन अब नजर इस बात को लेकर भी रहेगी कि मतदाता कितनी बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपना वोट डालने के लिए अपने मतदान बूथ पर पहुंचते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार रैलियों को संबोधित प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हालांकि अब तीसरे चरण के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए। पीएम मोदी लगातार जिस तरीके से चुनाव के घमासान के बीच तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुरैना, यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर का दौरा किया और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर एक बार फिर से पीएम मोदी ने निशाना साधा और अपने 10 साल के काम के साथ साथ अपनी गारंटियों को भी प्रधानमंत्री ने दोहराया है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने जनसभाओं के दौरान, चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। पहले धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक मुसद्दा, एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी। इस कैबिनेट नोट में एक कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, मंडल कमीशन के अनुसार जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का एक हिस्सा काट करके, 27% में से एक टुकड़ा काट करके
मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ दो दिन बाद 22 दिसंबर 2011 को इसका आदेश भी निकल दिया गया। बाद में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं, और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन, ऐसे अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताएं ये दिया है। ये भाजपा है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई, ताकि किसी मां के बच्चे को भूखे सोने की नौबत ना आए। हमने मुफ्त इलाज की योजना चलाई, ताकि बहनों को अपनी बीमारी न छुपानी पड़े। अब तो मोदी ने देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को एक बहुत कड़ा संदेश देना है। ये आपका वोट ही है जो आतंकवाद को काबू में रखेगा, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। और मुझे विश्वास है, क्रांतिकारियों की ये धरती इतने बड़े राष्ट्र यज्ञ में सबसे आगे खड़ी रहेगी। आपका ये उत्साह भी बता रहा है कि शाहजहांपुर ने तय कर लिया है फिर एक बार